आज हम बात करेंगे nsdlpanagent.com पे कैसे नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आईडी लेना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। एक बार आप आईडी ले लेंगे, इसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको ऐड मनी करना होगा। एक बार आपका वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे पैन कार्ड न्यू अप्लाई करने के लिए eKYC न्यू पैन पर क्लिक करेंगे। थ्रू द बायोमेट्रिक हो या फिर OTP हो, आपको एक घंटे में ही पैन कार्ड मिल जाता है आपके ईमेल आईडी पे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर फिल करना होगा, कस्टमर का नेम को यहाँ पर फिल करना है, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको अच्छे से फिल करना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर देते हैं और आपको बताते हैं पुराना वाला कार्ड लेके आते हैं और आपको पैन कार्ड के लिए बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर समझाना होगा, बताना होगा उनको पैन कार्ड अगर बनाना है तो लेटेस्ट वाला आधार कार्ड लाइए। इसके बाद आपको जेंडर चूज़ करके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही देना है जो कि आपको पैन कार्ड में ऐड कराना होगा। इसके बाद आपको आधार का स्पेलिंग और इसका स्पेलिंग सब कुछ देख लीजिए और टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। अभी आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे धीरजता से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हड़बड़ी करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जब भी आप सबमिट करेंगे तब भी आपको वेट करना है। जो भी आपको फंक्शन मतलब कि आगे प्रोसेस करने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, क्योंकि ये NSDL से ही सीधे कनेक्ट है। अभी आपको कस्टमर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है, नीचे आपको टाइटल पर क्लिक करना है, श्री श्रीमती कुमारी जो भी हैं। इसके बाद कस्टमर का लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद भी आप दोबारा क्लिक मत कीजिए, एक बार क्लिक कर देंगे तो वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। भले आपको थोड़ा सा लेट हो लेकिन होगा ज़रूर, थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना पेरेंट का डिटेल्स देना होगा, यहाँ पर नो करेंगे और अपना फादर का लास्ट नेम डालेंगे और यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे। इसके बाद नीचे री एंटर करेंगे फादर नेम को, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। इसके बाद नीचे आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पर पैन कार्ड चाहिए कि नहीं बोल रहा है, फिजिकल पैन कार्ड जो कि घर में आता है, हम यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद इनकम सोर्स सेलेक्ट करेंगे और अभी आपको यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है या फिर छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्क्रॉल करते जाना है नीचे। यहाँ पर एड्रेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके आधार कार्ड में मौजूद है उसी एड्रेस पर ही पैन कार्ड चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट। अभी आपको यहाँ पर अपना एरिया कोड सेलेक्ट करने के लिए अपना इंडियन सिटीजनशिप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करना है और अपना लोकेशन, जो भी आपका नियरेस्ट लोकेशन होगा पैन सेंटर का, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आके वहाँ पर जो आपने सेलेक्ट किया होगा सिटी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। अभी आपको अपना प्लेस लिखना है, इसके बाद सबमिट। एक बार सबमिट कर लेंगे तब भी फिर से प्रोसेसिंग लेगा, जो कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा 10-20 सेकंड। जब तक आपका वो प्रोसेसिंग चालू हो रहा होगा आपको किसी और जगह क्लिक नहीं करना है। अभी आपका एक बार फिर से देख लेना है आपका प्रीव्यू, सब कुछ सही है तो कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपके सामने eKYC ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको आपको सजेस्ट करूंगा सर्विस में आइए, स्टार्ट में क्लिक करके जो भी आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसका आपको क्लिक करके रिस्टार्ट एक बार कर देना है। अगर आपका स्टॉप हुआ हुआ तो वो नहीं चलेगा। अगर आप मोर्फो चलाते हैं तो मोर्फो पर क्लिक करके आपको स्टार्ट कर देना है ताकि आपका रन हो जाए। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप डिवाइस आपके पास मोर्फो है फिर मंत्रा है तो एक बार क्लिक कर देंगे मंत्रा में, ये सडनली सेलेक्ट नहीं होता। देखिए मैंने मंत्रा पर क्लिक कर दिया तो अभी तो कुछ ही देर के बाद आपको वेट करने के बाद RD सर्विस सक्सेसफुली बोल के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ओके करेंगे तो तुरंत ही बल्ब जलेगा, आपको तुरंत ही कस्टमर को बोलना है फिंगर देने के लिए। फिंगर सक्सेस हो चुका है, अभी सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद भी आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए सबमिट कर चुके हैं लेकिन प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया या फिर एरर हो गया, ऐसा कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल आ चुका है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जब ओके पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाला जो स्टेप आएगा यहाँ पर भी आपको ई साइन करना है। इसके बाद फिर से अगर आपको OTP से करना है, आधार में मोबाइल नंबर ऐड है तो यहाँ पर कर सकते हैं, बायोमेट्रिक से करना है, फिंगर से करना है तो बायोमेट्रिक बेस्ड ई साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक गौर देने वाली बात है, काफ़ी सारे लोग मतलब उनको पता नहीं होता, यहाँ पर सेकंड टैब ओपन नहीं होता, क्योंकि ऊपर में आपको यहाँ पर देखिए
क्लिक करेंगे यहाँ पर एक अलाउ का बटन रहता है, मतलब कि अगर आप वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वाला टैब नहीं खुलेगा। तो अगर आपका ऐसा आता है कि सेकंड वाला टैब नहीं ओपन हो रहा तो आप वहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर दीजिए, इसके बाद सेकंड वाला टैब ओपन हो जाएगा। इसके बाद आधार नंबर डाल के यहाँ पर टिक टिक करके कैप्चर कर देंगे, फिर से कस्टमर का आपको फिंगर देना होगा। एक बार यहाँ पर कस्टमर का फिंगर सक्सेस हो गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देखिए फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुली आ चुका है। ओके करेंगे, अभी आपको थोड़ी देर वेट करना है और अभी आपको फाइनली मिल जाएगा आपका पैन कार्ड का रिसिप्ट और ई साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आ चुका है, देख सकते हैं। ओके करेंगे तो हमारे पास रिसिप्ट आ जाएगा जो कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आप चाहे तो कस्टमर को दे भी सकते हैं, नहीं तो एक घंटे में तो वैसे ही पैन कार्ड आ जाएगा, एक घंटे में दो घंटे के अंदर ये कंफर्म आ जाता है। अभी आप यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके कस्टमर को रिसिप्ट दे भी सकते हैं, ये आप ही का मर्जी है। ये है प्रोसेस अगर आपको पैन कार्ड के लिए नया वाला अप्लाई करना है, चाहे आपकी कस्टमर का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक्ड हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, बायोमेट्रिक से करा लीजिए। अगर वो फिजिकली मौजूद नहीं है तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर मौजूद है तो आप OTP वाला कर लीजिए, जहाँ पर आपने क्लिक किए दो बार बायोमेट्रिक देने के लिए वहाँ पर सिर्फ आपको क्लिक करना है OTP में, तब जाके मोबाइल में OTP आएगा जो कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें ही आएगा। वही OTP को डालने के बाद ठीक वैसे ही आपका सेम प्रोसेस है, कोई अदर प्रोसेस नहीं है। जहाँ पर फिंगर दबाना होता है वहाँ पर OTP करेंगे, और वो अगर फिजिकल मौजूद है उनके आधार कार्ड में मौजूद नहीं है यानी कि ऐड नहीं है मोबाइल नंबर, तब आप उसका बायोमेट्रिक से फिंगर से कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो ये प्रोसेस से कर सकते हैं। तो अगर आपको पैन कार्ड का आईडी लेना है, पैन कार्ड सेंटर ओपन करना है अपने लोकेशन में, तो आपको विजिट करना होगा nsdlpanagent.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। एक बार आप यहाँ पर आएंगे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक बार आपको आईडी मिल जाएगा तो जितना चाहे अनलिमिटेड पैन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बढ़िया सा कमीशन भी मिलेगा। अगर आप चाहो तो रिटेलर आईडी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हैं, जिसमें अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो अपने नीचे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा आपको खुद रखना है, और अगर आप रिटेल आईडी बनाते हैं तो रिटेल आईडी का जितना भी पैसा होगा 299 वो आप ही को रखना है, कंपनी को नहीं देना है। सो ये था प्रोसेस, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर भी है, सीधे ही हमसे बात कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम का भी चैनल है, नीचे आपको जाके ज्वाइन कर लेना चाहिए।